शनिवार देर रात एक ऐसी खबर आई जिसने सभी देशवासियों की चिंता बढ़ा दी। सदी के महानायक अमिताभ बच्चन कोरोना वायरस से संक्रमित हैं। उनका कोविड-19 टेस्ट पॉजिटिव आया है। मुंबई के नानावटी अस्पताल में बिग बी का इलाज चल रहा है। कोरोना पॉजिटिव होने की जानकारी खुद बिग बी ने रात 10:52 पर एक ट्वीट शेयर करके दी थी। अमिताभ बच्चन के साथ ही उनके बेटे अभिषेक बच्चन भी कोरोना पॉजिटिव हैं। दोनों में ही संक्रमण के माइल्ड लक्षण हैं। अभिषेक भी अपने पिता के साथ नानावटी अस्पताल में भर्ती हैं। 77 साल के हो चुके बिग बी के लिए पूरा देश प्रार्थना कर रहा है। बिग बी के कोरोना संक्रमित होने की खबर आने के बाद से ही सोशल मीडिया पर बिग बी के लिए संदेशों की बाढ़ आ गई। हर कोई उनके जल्द से जल्द सेहतमंद होने की दुआ कर रहा है। आज बिग बी गंभीर बीमारी का रूप ले चुके कोरोना वायरस से जंग लड़ रहे हैं। वैसे बिग बी रियल लाइफ में फाइटर हैं। वो इससे पहले कई गंभीर बीमारियों से जंग लड़ चुके हैं। एक बार तो मौत के मुंह से बाल बाल बचकर बाहर आए हैं। साल 1982 में फिल्म कुली के सेट पर हुआ वो हादसा ना तो कभी बिग बी भुला सकते हैं और ना ही कभी उनका कोई फैन, जब मौत ने अमिताभ बच्चन को करीब करीब अपनी चपेट में ले लिया था। वो दिन था 26 जुलाई 1982 का। फिल्म के एक फाइट सीक्वेंस में अमिताभ बच्चन फिल्म के विलेन पुनीत इस्सर से फाइट कर रहे थे। पुनीत इस्सर को बिग बी के पेट में घूंसा मारना था। दुर्भाग्यवश वो घूंसा इतना तेज लगा कि बिग बी वहां स्टील की एक मेज से जा टकराए। इससे उनके पेट में गहरी चोट आई थी। ये चोट इतनी गंभीर थी कि बिग बी के पेट की झिल्ली और उनकी आंत बुरी तरह से फट गई थी। इस हादसे में बिग बी की जान पर बनाई थी। कुछ रिपोर्ट्स में तो ये भी कहा जाता है कि बिग बी को कुछ वक्त के लिए डॉक्टर्स ने क्लिनिकली डेड घोषित कर दिया था। अंदरूनी ब्लीडिंग ने बिग बी की हालत बेहद बिगाड़ दी थी। आनन फानन में बिग बी को 200 डोनर्स से खून लेकर 60 बोतल ब्लड चढ़ाया गया, लेकिन इन्हीं बोतलों में से किसी डोनर का खून हेपेटाइटिस बी वायरस इन्फेक्टेड था, जिसके कारण बिग बी पीलिया के शिकार हो गए। 2 अगस्त 1980 के दिन को बिग बी अपना दूसरा जन्मदिन मानते हैं, क्योंकि इसी दिन सक्सेसफुल सर्जरी के बाद उन्हें जीवन दान मिला था। लेकिन कुली के सेट पर हुआ वो गंभीर हादसा बिग बी को कई बीमारियां दे गया था। कुली के दौरान हुई दुर्घटना के बाद उन्होंने दवाइयों के भारी डोज लिए थे। इस एक्सीडेंट के कुछ ही समय बाद वे माइस्थेनिया ग्रेविस नाम की बीमारी से ग्रसित हो गए थे। आपको बता दें कि ये एक न्यूरोमस्कुलर डिसऑर्डर है। इसमें हमारे शरीर की मांसपेशियों में इस तरह की कमजोरी आ जाती है कि उन्हें हिला डुला पाना मुश्किल हो जाता है। उस हादसे में बिग बी के पेट में जबरदस्त चोट लगी थी। वो चोट तो ठीक हो गई, लेकिन बिग बी को डाइवर्टिकुलाइटिस ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन नाम की बीमारी दे गई। इस बीमारी के चलते पेट में तेज दर्द और पाचन तंत्र में गड़बड़ी पैदा हो जाती है। इस बीमारी को ठीक करवाने के लिए उन्हें सर्जरी करवानी पड़ी थी। हेपेटाइटिस बी इन्फेक्टेड खून चढ़ाए जाने के बाद बिग बी इस वायरस के शिकार हो गए थे। इस वायरस ने बिग बी के लीवर पर गंभीर असर डाला था, जिसका खुलासा एक रूटीन चेकअप के दौरान 18 साल बाद हुआ था। रिपोर्ट्स में आया था कि वायरस की वजह से उनका लीवर बुरी तरह से संक्रमित हो चुका है और उन्हें लीवर सिरोसिस हो गया है। इस बीमारी से छुटकारा पाने के लिए 2012 में बिग बी ने अपनी एक और सर्जरी करवाई और उनके लीवर के 75% हिस्से को अलग कर दिया गया। तभी से बिग बी 25% लीवर के साथ जी रहे हैं। इसके अलावा वह टीबी के शिकार भी हो चुके हैं। हालांकि पूरा इलाज करवाने के बाद बिग बी टीबी की बीमारी से मुक्त हो गए थे, लेकिन अस्थमा का रोग उनकी परेशानियां बढ़ाता रहता है। खैर, 77 साल के बिग बी ने कई गंभीर बीमारियों को हराया है, तो पूरा देश दुआ कर रहा है कि कोरोना वायरस को भी मात देकर वह जल्द से जल्द घर लौट आएंगे। ब्यूरो रिपोर्ट। अपने शहर, अपने प्रदेश की ताज़ा खबरों के लिए लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें, क्योंकि खबर हमारी, फैसला जनतंत्र का।